हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका अगेन स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम चेक करने वाले हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है उसका नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा, यानी कि आपके पर्सन के साथ आपका भविष्य, निकट भविष्य क्या होने वाला है, ये हम चेक करने वाले हैं। तो गाइस मेरे साथ बने रहिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और रीडिंग पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, व्यूअर्स बताएं। मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपनी स्ट्रे को याद कर लीजिए। याद रहे ये जनरल रीडिंग होगी, आप सभी से मैच नहीं होगी लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती भी है। ओके, तो जितना आपसे मैच करें वो लीजिएगा, और ये मेल फीमेल सभी के लिए, मैरिड अनमैरिड सबके लिए। ठीक है, यूनिवर्स बताएं हमारे मेरे भी जो व्यूअर देखते हैं उनका, उनके पार्टनर के साथ क्या चल रहा है, रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज हैं। ओके, वी हैव थ्री ऑफ सॉर्ड्स। द हाई प्रिस्टेस, ओह माय गॉड, जंपो के बहुत सारे कार्ड आ रहे थे बट मैंने कैच कर लिया। एनीवेज, और निकालते हैं वन कार्ड, टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओ देखिए बॉटम में मून की एनर्जी आई है। मुझे यहाँ पे आप दोनों के साइन में से किसी का साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मुझे यहाँ पे मोस्टली लग रहा है। ठीक है, आप दोनों में से किसी का भी साइन हो सकता है, और पाइसिस भी यहाँ पे है। तो गाइज यहाँ पे मुझे डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही, या फिर एक एक जो पर्सन है बिल्कुल दूर चला गया है क्योंकि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है यहाँ पे, ये सब बातें शायद आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। किसी चीज़ का उनको बहुत पेन है, आपके जो भी पार्टनर हैं उनको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। टेन ऑफ सॉर्ड्स की जब एनर्जी आती है तो इसका मतलब यही होता है कि बहुत ज़्यादा पेन किसी बात को लेके है, दुख है, किसी ने हर्ट किया है, या फिर आपके रिलेशनशिप की चीज़ है। तो आपके रिलेशनशिप के बारे में जब देखते हैं तो हम थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जब भी आता है तो इसका मतलब थर्ड पार्टी को इंडिकेशन देता है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया, यानी कि आपके पार्टनर आपसे ये सब बातें छुपा रहे हैं कि उनका किसी ने हार्ट ब्रेक किया है, थर्ड पार्टी ने, या कोई और पर्सन है जिसने, थर्ड पार्टी नहीं है यानी कि कोई उनकी फैमिली हो सकती है, कोई और हो सकता है। यहाँ पे देखिए गाइस, कोई फीमेल पर्सन है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, और इसी वजह से किसी ने उनको हार्ट ब्रेक किया है। मैनिपुलेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। द हाई प्रिस्टेस कहता है कि ये सब बातें आपको नहीं मालूम है और वो ना डिक्लेयर करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे एक बात और लग रही है गाइस, अगर आपसे मैच होती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा जरूर, अगर ये आपसे रीडिंग मैच होती है तो। ओके, तो गाइज मुझे लगता है कि अगर थर्ड पर्सन है, कोई भी थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप के बीच में, तो उनसे आपके पार्टनर है वो थोड़े से डरे हुए हैं क्योंकि वो इमोशंस सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फील करते हैं। बहुत इमोशनली आपका रिलेशनशिप है और आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं। उनको डर है किसी चीज़ का, मतलब थर्ड पार्टी का डर हो सकता है। कोई किसी किसी के लिए मदर इश्यूज भी हो सकते हैं, उनकी मदर है जो आपके लिए रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी बनी हुई है, या फिर कोई और फैमिली मेंबर है, या फिर कोई मैरिड पर्सन है जिसकी वजह से वो जो उनकी वाइफ है या जो भी है वो उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की एनर्जी में रख रही है। यानी कि कुछ नहीं कहते हो भी बहुत कुछ करवा लेना, दबाव डालना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये कह रही है, सॉरी गाइज, हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बताता है कि गाइज आपके रिलेशनशिप में जो भी दबाव है वो आपसे छुपा रही है। यानी कि कुछ भी जो उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, थर्ड पार्टी ने किया है, जो भी दुख दर्द है वो आपको शो नहीं कर रहे, इसीलिए आपसे उन्होंने ब्रेक लिया है या फिर बिल्कुल दूर चले गए हैं आपसे। इन एंड आउट एनर्जी तो उनकी रहती होगी गाइज डेफिनेटली, लेकिन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि किसी पेन को आपसे छुपा रहे हैं, किसी दर्द को छुपा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उनको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन मुझे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी उससे प्रभावित होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आपका रिलेशनशिप इन बातों को इफेक्ट कर रहा है, चाहे कोई थर्ड पार्टी है या किसी चीज़ को, यानी कि कोई लॉस उन्होंने फेस किया है, कोई घर में बीमार है, इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो इस वजह से आपका रिलेशनशिप इफेक्ट कर रहा है और ये सब बातें आपसे वो हाइड कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ सीक्रेट रख रहे हैं जो आपको बताना नहीं चाहते। यानी कि कुछ बातें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उनकी ऐसी है जो आपसे डिक्लेयर नहीं करना चाहते, इसीलिए थोड़ा सा आपसे बिल्कुल कट्टे कट्टे से हैं। और ये गाइस, ये जो कार्ड्स की एनर्जी होती है बहुत शॉर्ट टर्म की होती है, जैसे थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये बहुत शॉर्ट टर्म की होती है। दो चार दिन उनका ऐसा ही रहेगा, लेकिन आगे क्या होता है हम नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे।
चलिए हम देख लेते हैं अभी इनकी एनर्जी आपके रिलेशनशिप को लेके ही है। आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल इन एंड आउट तो आपके पार्टनर की एनर्जी है ही, बल्कि इस टाइम जो 1 और 2 डेज में आप देख रहे होंगे कि उनके कोई एक्शन नहीं है, बिल्कुल कटे हुए से हैं, आपसे दूर चले गए हैं, बातचीत नहीं हो रही, बिल्कुल कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं और बिल्कुल गायब से हो गए, इस तरह की एनर्जी आपको फील हो रही होगी। तो कारण यही है कि गाइज आपसे कुछ छुपाया जा रहा है और आपको चाहकर भी वो ये सब बातें, अपनी जीवन में जो पेन है, कोई लॉस हुआ है, कोई बीमार है, या किसी ने किसी को खोया है या फिर थर्ड पार्टी इशू है, तो उसको छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, व्यूअर्स बताएं करंटली मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। डेथ का कार्ड आ गया हमारे पास। कोई स्कॉर्पियो हो सकता है यहाँ पे, आप दोनों में से किसी का साइन। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जी है, आप दोनों में से किसी का साइन हो सकता है। एक बार और चाहिए यूनिवर्स। क्या फील कर रहे हैं जी आपके लिए, मेरे व्यूअर के लिए क्या फील कर रहे हैं। दी एम्प्रेस, ओके। देखिए बॉटम में चैरियट का कार्ड है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँ तो डेफिनेटली अभी उनकी जो एनर्जी है मैंने बताई है, आपके रिलेशनशिप में कोई बातचीत नहीं हो रही या फिर आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, कटे कटे से उनको लग रहा है, आपका मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आपके पास। अगर ये सिचुएशन तो करंटली वो आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, वो एक्शन के लेने के मूड में है। उनको लगता है ये जो उनकी पर्सनल लाइफ को लेके या उनके जो करियर को लेके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आपके बीच में नहीं लाना चाहते, आपके रिलेशनशिप के को बीच में नहीं लाना चाहते, ये प्रॉब्लम्स वो खुद हैंडल करना चाहते हैं। द हाइप्रिस्टिस का कार्ड यही कहता है कि आपको वो ये सब बातें सीक्रेट रखना चाहते हैं कि उनके जीवन में क्या दुख है, क्या क्या वो फेस कर रहे हैं, किन बातों को झेल रहे हैं, थर्ड पार्टी है कोई उसको क्या झेल रहे हैं, इन सब बातों के लिए वो आपसे दूर रहना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस आपसे बनाया हुआ है। लेकिन ये ब्रेकअप नहीं है गाइज। यहाँ पे देखिए द एम्प्रेस का कार्ड है गाइज, यहाँ पे कोई एरीज हो सकता है और द चैरियट का कार्ड कोई कैंसर हो सकता है। तो आपके पार्टनर की ओवरऑल देखें तो उनकी फीलिंग्स ये है कि आपके प्रति बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गए, यानी कि उनकी जो मन की इच्छा वो ये है कि आपके पास भागे दौड़े चले आएं। जो भी ऑब्स्टिकल है, ये वॉरियर का कार्ड होता है गाइस, अगर कोई जीतना उनके लिए आसान नहीं है, डेफिनेटली जो वॉरियर होता है उसको बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ के आगे आना पड़ता है। इसी तरह की एनर्जी में आपके जो पर्सन है वो उनकी तकलीफों से बाहर आके वो आपके पास कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप इन बातों से इफेक्ट ना करे, वो भी ये चाहते हैं। आपके पास बहुत स्लो आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बाद में देखिए सन का कार्ड भी है, वो आपके लिए आपसे बहुत खुशियां महसूस करते हैं और इसीलिए मैं कहूंगी कि उनके करंट एनर्जी में क्या है, एक बदलाव है, बिल्कुल बदलाव है जो कि इनकी जो अंदर से बहुत चेंज होती जा रही है। आपके पर्सन आपकी वजह से अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ें पीछे छोड़नी उनको छोड़े और कोई नई शुरुआत आपसे करें। डेफिनेटली उनमें आपकी वजह से बदलाव ला रहे हैं, वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं कि इन जो उनके पर्सनल लाइफ को जो पेन है वो आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट ना करें। उनकी ये करंट एनर्जीज मैं बता रही हूँ आपको। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी गाइज, वो आपसे डेफिनेटली मिलना चाहते हैं क्योंकि आप उनको खुशियाँ देते हैं। डेफिनेटली वो इस पेन से दूर जाना चाहते हैं, आपसे मिलके उनको जो खुशी महसूस होती है, जो एक जो अंदरूनी सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो आपसे ही मिलता है। और दी एम्प्रेस, आप उनको बहुत नर्चर करते हैं, डेफिनेटली उनको ये फील होता है। अभी क्या फील कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि इस पेन का दर्द, जो पेन की पेन किलर आप हैं, डेफिनेटली जो पेन किलर लिया जाता है, दवाई है एक, जो भी आदमी को सर दर्द होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए वो पेन किलर लेता है। तो आप उनको पेन किलर की तरह लगते हैं और कहीं ना कहीं वो डोज आपसे मिलती है। डेफिनेटली वो आपसे मिलना चाहते हैं और अपना दर्द आपको चाहे शेयर करें नहीं, लेकिन आपके पास होके उनका आधा दर्द खत्म हो जाएगा, उनको ये लगता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास कॉल मैसेज आ सकता है, नहीं तो कुछ लोगों के लिए भी है कि आपसे मिल सकते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। डेफिनेटली उनकी मन की इच्छा तो ये है, करंटली वो यही सोच रहे हैं कि आपको इन चीज़ों से दूर रखे और आपके लिए कोई एक्शन ले। बहुत स्लो एनर्जी में है लेकिन वो आपके एम्प्रेस की तरह मानते हैं, यानी कि आपके पास आप वो सर्वगुण संपन्न समझते हैं, यानी कि आपको पाके या आपसे मिलके उनको आधे दर्द उनको भूल जाएंगे, उनको ये लगता है। चलिए उनका नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है हम चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स बताएं नेक्स्ट इनके रिलेशनशिप में क्या होगा, आगे क्या होगा इनके रिलेशनशिप में, नियरेस्ट फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। देखिए अगेन चैरियट का कार्ड आ गया। ओके, नियरेस्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है यूनिवर्स बताएं।
नियरेस्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है, इनके रिलेशनशिप का नियरेस्ट फ्यूचर बताइए। चैरियट कोई कैंसर हो सकता है आप दोनों में से। ओके चलिए देखते हैं। द मैजिशियन, देखिए दो दो मेजर आर्काना है, एक और लेना चाहूंगी मैं, एक कार्ड और दीजिएगा। क्या होगा इनका नियरेस्ट फ्यूचर, इनके रिलेशनशिप का नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा विद इन वन मंथ देख रहे हैं। ओके नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस यहाँ देखिए बॉटम में विक्ट्री का कार्ड है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो नियरेस्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है, देखिए गाइस यहाँ पे टू कार्ड्स ही मेजर आर्काना होते हैं, इनका बहुत सिग्निफिकेंट मतलब होता है। यानी कि मैं कहूँ तो जैसे कि हमारे पास पहले भी करंट फीलिंग्स थी, उनकी जो एनर्जी है वो आपके पास एक्शन लेने की है, वो आपके लिए एक स्टैंड लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने जो पर्सनल लाइफ है वो आपके रिलेशनशिप को शिप को इफेक्ट ना करें। उनकी जो मन की इच्छा ये है कि आपसे मिलना चाहते हैं और अपने सारे दुख दर्द पीछे छोड़ के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनमें वो चेंजेस आए जो आपको सुख दे सके, आपके साथ मिलके वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। डेफिनेटली चैरियट, आप दोनों में कास्ट इशूज हो सकते हैं, आप में बहुत डिफरेंसेज हो सकते हैं, तो उनका अगला कदम क्या होगा, वो आपके लिए एक्शन लेंगे। डेफिनेटली आपको एक्शन उनकी बातों से, उनके एक्शन से पता चलेगा कि वो क्या एक्शन लेंगे। डेफिनेटली उनकी जो एक्शन ही आपको बताएंगे कि वो अगला कदम क्या लेंगे। डेफिनेटली वो एक्शन लेने के मूड में लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, खुद में बहुत चेंजेस आपकी वजह से ला रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं मुझे यहाँ पे लग रहा है, उनको लगता है कि आपको मैं मना लूंगा, लेकिन अब वो मैनिपुलेशन वाली एनर्जी भी नहीं है। देखिए गाइस यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है इसके साथ, तो यहाँ पे मैं एक मैजिशियन होता है, हालांकि ये लव रीडिंग में आता है तो सही नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक्शन के रूप में आया है, तो बहुत ज़्यादा उनके पास एक मैजिकल वाली एनर्जी है। उनको लगता है कि आपको मनाने की, मनाना तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपसे जो दूरी उन्होंने बनाई है उसको वापस भरना चाहते हैं, उनको नज़दीकियों के रूप में लाना चाहते हैं, आपको पास लाना चाहते हैं, और डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करें। कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि इनको लगता है कि कोई मैजिक होगा और आप इनके पास आ जाएंगे। डेफिनेटली तो आपके साथ कॉल या मैसेज करेंगे, कोई ऐसी ट्रिक करेंगे जिससे आप इनसे मुलाकात कर सकें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यानी कि सच्चाई के साथ आपके पास आना चाहते हैं, जो सच्चाई वो शायद पूरी नहीं बताएं, लेकिन फिर भी ये एनर्जी इनकी है कि आपके रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, ये कोई रिस्क लेना चाहते हैं आपके लिए, चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में अगर इन्होंने रिस्क लेते वो कहाँ तक सक्सेस होती है। डेफिनेटली आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज का कार्ड होता है, बैंड बजा बारात का कार्ड होता है गाइस, उसके अलावा ये विक्ट्री का कार्ड होता है, ये आपको जीतना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में इनकी जीत हो, आपके साथ हो, ये चाहते हैं। लेकिन थोड़े से जो डर हैं उनको हटाने पड़ेंगे, लेकिन ये तीनों कार्ड्स इनके नियरेस्ट फ्यूचर आपका बता रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप का एक महीने या थोड़े से दिन बाद, एक महीना तो मैं मान के चल रही हूँ, लेकिन आपके रिलेशनशिप में इनके एक्शन आप देखेंगे। ये कोई भी थर्ड पर्सन है, अगर मैरिड पर्सन है यहाँ पे, जैसे कि ये आया है मैजिशियन का कार्ड है, कोई मैच्योर पर्सन आपके पर्सन लग रहे हैं, तो वो किसी थर्ड पर्सन को बिल्कुल नहीं सोचते हैं, इवन उनको लाइबिलिटी ज़रूर मानते हैं, लेकिन वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो रिलेशनशिप में किसी और को छोड़ना पड़ेगा उनको ये पता है, और ये छोड़ने की मूड में, यानी कि प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन कैसे क्या करें, बहुत ज़्यादा एक बड़ा डिसीजन है जिसके लिए इनको बदलाव लाना ज़रूरी है। तो बदलाव की चेंजेस इनमें आ रहे हैं डेफिनेटली, और ये आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, और विक्ट्री इस कनेक्शन में ज़रूर होगी। अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। चले गाइस हम मैसेज देखते हैं क्या है इनके मैसेज आपके लिए। ओहो बहुत 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 सारे आ गए, तो चलिए हम बस इतने ही लेंगे। गाइज आपको मेरी रीडिंग पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मना मत जाइएगा, और मेरी मंथली रीडिंग ज़रूर देखिएगा। और किसी ने मुझे पूछा था कि आप सन मून राइजिंग, डेफिनेटली मैं इसी तरह पढ़ती हूँ राशियों को, लेकिन मैं आपके नाम के अकॉर्डिंग देखती हूँ। जैसे आपका नाम राजेश है तो राजेश से आपकी राशि तुला हो गई, तो उसी तरह से मैं रीडिंग्स को देखती हूँ। मेरी मंथली रीडिंग ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए ये है, यू आर द बेस्ट, ओके प्लीज़ हग मी। तो आपसे मिलना चाहते हैं, मैंने कहा ना आपको मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। देखिए आपसे मिलना, आपसे बात करना इनको बहुत पसंद है, ये अपना पेन भूलना चाहते हैं। समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटीफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस, कई बार आपके एक्शन इनको इस तरह रहते हैं कि ये बिल्कुल आपको देखते रहें, बस आपके एक्शन आप बोलते रहें ये आपको देखते रहें, इस तरह की एनर्जी इनको फील होती है। तेरी आँखें मुझे तेरी ओर खींचती है, तो आपकी आँखें इनको अट्रैक्टिव लगती है, इनको लगता है एक बहुत ज़्यादा पैशनेट आँखें आपकी। व्हेन वी आर टुगेदर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बिल्कुल आप इनके साथ होते हैं तो इनको कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। आई लाइक योर आइज़, आइज़ बहुत अच्छी लगती है। पहले भी हमारे पास आया है एक मैसेज,
और लास्ट है रोती हूँ याद करके। तो कोई फीमेल पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा आपको याद करके रोता है, तो इनकी करंट एनर्जीज भी यही है। आपका नेक्स्ट, आपके एक्शन, आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट यही होने वाला है कि इनका एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो रीडिंग आपको पसंद आई तो लाइक किए बिना मत जाएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।